हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी हेयर टूल्स के बारे में, कौन से आपको टूल्स यूज करने हैं, ये सब कुछ मैं आपको नॉलेज दूंगी आज के वीडियो में। बट उससे पहले मैं आज के वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन है गिव अवे का विनर। तो एवरी वीक मैं आप लोगों को गिव अवे का विनर बताऊंगी। तो 10 गिफ्ट्स है, 10 हफ्ते चलेगा गिव अवे। ट्यूजडे एंड फ्राइडे को मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी गाइज, आपको उस वीक में उस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को। और मैं अपने इंग्लिश चैनल में भी जो भी वीडियोस डालूंगी, दो वीडियो डालती हूँ मैं वहां पे भी सेम डेज पे, तो आप लोग उसको भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंग्लिश में देखना चाहते हो वीडियोस को तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यही सब रूल्स है गाइस, बहुत ही सिंपल रूल्स। तो लास्ट वीक जो गिव अवे हुआ था उसका विनर मैं आज आपको बताऊंगी कौन है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैंने बताया कौन है विनर। इस वीक का जो भी विनर होगा वो मैं नेक्स्ट वीक ट्यूजडे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में, टूल्स नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। कॉम्ब्स क्या क्या यूज होते हैं हेयर स्टाइल में, क्या क्या आपको जरूरी है आपके वैनिटी में रखना अगर आपको हेयर स्टाइल करना है ब्राइडल का या खुद का जो भी है, तो सब कुछ मैं आपको आज नॉलेज दूंगी गाइस, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं तो एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आती है कि क्या हमारे लिए जरूरी है क्या नहीं, और कौन सी चीज क्या काम करती है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि आप लोगों को ये खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जो कॉम्ब्स आपके लिए जरूरी है हेयर स्टाइलिंग के लिए वो है टेल कॉम्ब, टीजिंग कॉम्ब, वाइट टूथ कॉम्ब और स्टाइलिंग कॉम्ब विद लिफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ अब ये कैसे दिखते हैं। तो ये है गाइस टेल कॉम्ब। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो टेल है वो ऐसे स्टील का होता है और ये ऐसे ब्रिसल्स है, और फिर ये भी टेल कॉम्ब ही है। तो एक के जो ब्रिसल्स है वो थोड़े से दूर है और एक के जो ब्रिसल्स है वो थोड़े से ऐसे नजदीक है, और एक आता है गाइस जिसके ब्रिसल्स और भी नजदीक होते हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये ऐसे, जिसके ऐसे ब्रिसल्स से थोड़े दूर है वो भी चलेंगे, या तो फिर जो थोड़े से मीडियम है ना ऐसे भी चलेंगे। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा नजदीक जो अगर आप ऐसे देखोगे तो आप लोगों को ऐसे सामने वाला थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, सामने ऐसे हाथ रखोगे तो ऐसे दिखना चाहिए, वैसा आपको लेना है। बहुत ही नजदीक ब्रिसल्स जहां से आपको बिल्कुल भी सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है, वैसे ब्रिसल्स मत लीजिए, उससे आप लोग बैक कॉम्बिंग नहीं कर पाओ। ठीक है गाइज, ये जो टेल कॉम्ब इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये रॉड है ये बहुत ही पतला होता है, तो ये आप लोगों को सेक्शंस करते वक्त, बालों में जो सेक्शंस आप लोग करते हो ना उसमें आप लोगों को बहुत यूजफुल होता है, बहुत अच्छे सेक्शंस होते हैं इसमें। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसे यूज करना है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट पे यूज करो तो ये स्टील का होता है, तो आप लोग अगर जोर से इसे दबाओगे तो उनके स्कैल्प पे उनको दर्द हो सकता है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा संभाल के यूज करना होगा। तो इसके साथ ही गाइज एक वुडन टेल का भी आता है, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, बट वुडन से ज्यादा इसमें बहुत ही प्रिसाइज सेक्शंस होते हैं, बस इतना ही आपको एकदम संभाल के यूज करना है। तो ये हो गया गाइस टेल कॉम्ब। अभी सेकंड हम लोग देखेंगे टीजिंग कॉम्ब। टीजिंग कॉम्ब गाइस ये होता है, ठीक है, ये डिफरेंट एक टीजिंग कॉम्ब। आप लोग टेल कॉम्ब से भी टीज कर सकते हो बालों को, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास ऐसे टीजिंग कॉम्ब होगा ना तो बहुत ही अच्छे से टीजिंग होगा। तो ये एक टीजिंग कॉम्ब ऐसे मिलता है, और ये आप देखोगे ऐसे वुडन है, तो इसमें आप सेक्शंस भी कर सकते हो, ये काफी अच्छा है ये टीजिंग कॉम्ब। ब्रश भी मिलेगा, तो ये ब्रश है गाइस ब्रश, तो इससे भी आप लोग रूट्स जो हम लोग ऐसे बैक कॉम्बिंग करके जो ऐसे ऐसे रूट जो ऐसे वॉल्यूम देते हैं ना रूट पे, तो ऐसे ब्रश से भी आप लोग कर सकते हो। दो मिलते हैं मार्केट में, टीजिंग कॉम्ब या टीजिंग ब्रश। तो मैं टीजिंग ब्रश यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है टीजिंग ब्रश, बट आप लोग आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। थर्ड हम लोग देखेंगे वाइड टूथ। ये है गाइज वाइड टूथ कॉम्ब। ये जब आपके बाल गीले होते हैं तभी उसको डिटैंगल करने, जैसे कॉम्ब करने के लिए आप लोगों को ऐसे वाइड टूथ कॉम्ब यूज करना है, जबकि बाल गीले होते हैं मोस्टली हम लोग तभी यूज करते हैं ये कॉम्ब। और फिर होता है स्टाइलिंग कॉम्ब विद, गाइज स्टाइलिंग कॉम्ब विद लिफ्ट। तो इसमें ऐसे ये है, मतलब आप जब भी हेयर स्टाइल करोगे, मतलब आपने अगर पफ किया है और आपको ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे जो इंटरनेशनल स्टाइल्स में थोड़े थोड़े उठाते हैं ना बालों को, तो इससे आप लोग ऐसे बालों को ऐसे उठा सकते हो, ऐसे यहां से आप लोग कॉम्ब कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा फिनिश आता है, टेक्सचर आता है थोड़ा सा आपके बालों पे, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये एक स्टाइलिंग कॉम्ब। अभी आपको कॉम्ब्स के बारे में पता चल गया, अभी हम लोग ब्रशेस क्या क्या है। तो गाइस ब्रशेस में सबसे पहला है ये कुशन ब्रश, ठीक है। कुशन ब्रश जो होता है ना वो ऐसे राउंड शेप का होता है, और यहाँ पे ऐसे कुशन होता है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे ऐसे कुशन होता है सॉफ्ट पार्ट। तो इसमें क्या होता है ना, आप लोग डिटैंगलिंग भी कर सकते हो, फिर आप जब भी टीजिंग करते हो आपके बालों को और एक वॉल्यूम क्रिएट करते हो, तो ऊपर आपको जब भी कॉम्ब करना होता है ना एकदम स्मूथ दिखना चाहिए, राइट,
टीजिंग के टाइम पे बाल बहुत हम लोग ऐसे पूरा ऐसे गुच्छा बनाते हैं और फिर ऐसे बालों को जो ऊपर रखते हैं तो वो एकदम स्मूथ दिखना चाहिए, तो उसके कॉम्बिंग के लिए भी आप लोग ये यूज कर सकते हो। फिर अगर आपने टीजिंग किया है आपके बालों को और आपको खोलना है, जो बैक कॉम्बिंग किया है आपने उसको अच्छे से आराम से खोलने के लिए भी हम लोग ये कुशन ब्रश यूज करते हैं और ये स्मूथिंग के लिए, तो ये सब बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो अगर आपके पास ये एक कुशन ब्रश होगा ना तो डिटैंगलिंग बालों के लिए, स्मूथिंग हेयर, फिर कोमिंग हेयर, सबके लिए ये यूज होता है, तो ये कुशन ब्रश एक अच्छा है। और फिर ये मेरा जो कोम है उसमें दोनों है, ये साइड में नाइलन की ये कुशन ब्रश है और ये साइड में स्मूथनिंग का भी है, तो जो ऐसे ब्रिसल्स है ये ऐसे है, देखो ऐसे सॉफ्ट ब्रश है ये। तो इसमें क्या होता है, जब ये सेम आप लोग जब कोमिंग करते हो तो जो स्मूथनेस जो आता है, अभी मैंने ये जो फ्लैट लुक किया है तो यहाँ पे ऐसे मैं कोम करूंगी अगर ये स्मूथनिंग ब्रश से, तो बहुत ही फ्लैट और स्लीक लुक आता है। ये वाले ब्रश से हम लोग कोम करते हैं, जब हम लोग फ्लैट लुक करते हैं, चपटा लुक करते हैं, सभ्यसाची लुक करते हैं, तो ऐसे सब लुक्स में हम लोग ऐसे ब्रशेज यूज करते हैं अच्छे से इसको एकदम फ्लैट लुक अपने बालों को देने के लिए। जब बैक कोमिंग करोगे तो बैक कोमिंग करने के बाद जो ऊपर का लेयर होता है ना उसको भी स्मूथ आउट करने के लिए भी आप लोग ये ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये होता है स्मूथनिंग ब्रश, तो आप लोग ये वाला एक रख सकते हो। आपको ऐसे दोनों तो नहीं मिलेंगे शायद एक साथ, बट आपको सेपरेट सेपरेट एक स्मूथनिंग ब्रश और एक कुशन ब्रश आप लोग रख सकते हो। सेकंड है गाइस पैडल ब्रश। तो पैडल ब्रश जैसे मैंने आपको कहा ये कुशन ब्रश जो राउंड शेप होता है, पैडल ब्रश भी ऐसे ही होता है, कुशन होता है उसके भी बेस में, बट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट एकदम रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ऐसे होता है पैडल ब्रश, उसमें भी आप लोग सेम यही काम कर सकते हो, बट पैडल ब्रश को आप लोग ब्लो ड्राई के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास राउंड ब्रश नहीं है तो ब्लो ड्राई करते हो बालों को, आप लोग पैडल ब्रश से भी बालों को ऐसे पकड़ के ब्लो ड्राई कर सकते हो। तो पैडल ब्रश आप लोग ब्लो ड्राई के टाइम पे भी यूज करता है पैडल ब्रश। पैडल ब्रश भी डिटैंगलिंग करने के लिए होता है बालों का, और फिर आप लोग उसको ब्लो ड्राई के टाइम पे भी यूज कर। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कुशन रखे या पैडल रखे, तो गाइस कुशन रखा तो भी काफी है अगर आपके पास राउंड ब्रश है ब्लो ड्राइंग के लिए। तो नेक्स्ट है गाइस टीजिंग ब्रश। तो टीजिंग ब्रश मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, ये वाला होता है टीजिंग ब्रश जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे होता है गाइस राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश जो होता है ये इसमें हीट कंट्रोलिंग भी होता है, मतलब जब ये ब्लो ड्राई एकदम गर्म होता है, राइट, प्रोटेक्टेंट भी होता है, तो इससे बहुत अच्छे से हम लोग ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो राउंड ब्रश होते हैं ना ये हम लोग ब्लो ड्राई के लिए यूज करते हैं। अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है अपने बालों पे, कर्ल्स अगर आपको ब्लो ड्राई के टाइम पे ही करने होते हैं तो आप लोग ये राउंड ब्रश यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज रहो कि हम लोग पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई करें या राउंड ब्रश से ब्लो ड्राई करें, तो गाइज आप लोग राउंड ब्रश यूज कीजिए ब्लो ड्राई के लिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है। और अगर आप कंफ्यूज हो कुशन ले या पैडल ब्रश ले, तो आप लोग कुशन ब्रश और राउंड ब्रश ये दो ब्रशेस रख सकते हो अपने वैनिटी। ये राउंड ब्रश में अलग अलग साइजेस आते हैं, ये जो मेरा है ये बड़ा है, तो अगर लंबे बाल है आपके, बड़े बाल है, तो आप लोगों का सिर्फ बड़ा ब्रश यूज करना है। बड़े ब्रश से कर्ल्स जो है वो थोड़े कम आते हैं, ज्यादा कर्लिंग नहीं कर सकते हो आप लोग, बट इसमें जो छोटे राउंड ब्रश आते हैं ना उसमें बहुत अच्छे से बाल कर्ल कर सकते हो आप लोग ब्लो ड्राई करते वक्त। और जिनके बालों की लेंथ छोटी होती है उनके लिए छोटा ब्रश यूज करते हैं, जिनको बालों की लेंथ बड़ी होती है तो उनके लिए हम लोग ऐसे बड़ा ब्रश यूज करते हैं। और फिर होता है वेंट ब्रश। वेंट ब्रश गाइज ऐसे डेनमन ब्रश भी बोलते हैं इसको। तो ये ब्रश क्या करता है कि जब भी आप लोगों को आपके रूट्स में थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, जैसे कर्ली बाल, जैसे हमारे बाल है गाइस कर्ली बाल है मेरे, तो जब ये ड्राई होते हैं ना तो एकदम फ्लैट हो जाता है, बट अगर मैं ये डेनमन ब्रश जो है इससे अगर मैं कोम करूंगी मेरे बालों को जब ये गीले है ना, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है ये बालों को। तो वॉल्यूम ऐड करने के लिए, स्टाइल करने के लिए जब ये गीले है ना तभी आप लोग ऐसे वेंट ब्रश यूज करें, बट ये जरूरी नहीं है ये ब्रश। तो आपको जो जरूरी है ब्रशेज में वो है एक कुशन ब्रश और एक राउंड ब्रश। तो ये दो ब्रश अगर आपके पास है तो काफी है ब्रशेज में भी। तो मैं आपको सारी चीजों का नॉलेज दे रही हूं, बट आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़ते गाइस हीटिंग टूल्स की तरफ। हीटिंग टूल्स में स्ट्रेटनर, कर्लर वो है, और फिर एक ब्लो ड्राई है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लो ड्राई के बारे में बात करेंगे। तो ब्लो ड्राई में गाइस आइकॉनिक ब्रांड बहुत अच्छा है, आप आइकॉनिक का खरीद सकते हो, प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छा है। या तो फिर आप लोग वेगा का खरीद सकते हो, या तो फिर आप लोग बेबीलिस, जो भी आपको चाहिए वो खरीद सकते हो। बस आपको इतना देखना है कि उसमें जो वैट है ना वो 1800 वैट होना चाहिए। तो जो मैं यूज करती हूँ ये एनपी ग्रीन का है, और उसका जो वैट है ये 1875 वैट का है। तो वैसे आपको बस वैट देखना। तो ब्लो ड्राई में क्या होता है, ये एक नोजल आता है, ये जो हम लोग ब्लो ड्राई के टाइम पे यूज करते हैं ऐसा एक नोजल आता है, तो ये नोजल है, और फिर एक डिफ्यूजर आता है। तो बहुत जरूरी आप दोनों लीजिएगा, इस नोजल ये जब आप लोगों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना होता है ये यूज आएगा, और डिफ्यूजर भी आपको यूज करना होता है कर्ली बालों के लिए।
तो अगर आपकी क्लाइंट कर्ली है और बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है क्योंकि बहुत जल्दी से सूखते नहीं ये कर्ली बाल, तो अगर आपके पास ऐसा डिफ्यूजर होगा ना तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको ड्राई कर सकते हो। अगर आप में से किसी के भी कर्ली बाल है गाइस, तो आप लोगों को नोजल की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ये डिफ्यूजर की जरूरत पड़ेगी। कर्ली बाल है तो आप लोगों को वो नोजल निकालना होगा और ऐसे ही डिफ्यूजर को यहाँ पे फिक्स करना होगा और आप लोगों को ऐसे कर्ली बालों को ऐसे ड्राई करना होगा। ये कैसे यूज करना है ये सब कुछ मैं आपको डेमो दूंगी बाद में, बट आप अभी सिर्फ ये समझिए कि कर्ली बालों के लिए आपको ऐसे डिफ्यूजर चाहिए बाल सुखाने के लिए, और स्ट्रेट बालों के लिए आप लोगों को नोजल यूज करना है बाल सुखाने के लिए। तो ये हो गया गाइस ब्लो ड्राई के बारे में। तो गाइस हीट टूल्स में जो आते हैं वो है ब्लो ड्राई, डिफ्यूजर, कर्लर और स्ट्रेटनर। तो मैंने आपको ब्लो ड्राई और डिफ्यूजर के बारे में बता दिया है क्या होता है, अभी हम लोग बढ़ते कर्लर की तरफ। बट कर्लर का भी मैंने आपको डे वन का जब वीडियो डाला था हेयर का, तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कर्लर क्या होता है, कौन से नंबर के कर्लर हमें मिलते हैं मार्केट में और आपको कौन सा कर्लर लेना है। 22 नंबर का मैंने आपको कहा था, और सारे नंबर्स है गाइस, बट आप लोगों को अगर एक ही रखना है तो 22 नंबर का आइकॉनिक का आप लोग ले सकते हो, या तो फिर आप लोग वेगा का ले सकते हो, बेबीलिस का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, अच्छे क्वालिटी का थोड़ा लेना आप लोग। तो कर्लर बालों को कर्ल करने के लिए आपको चाहिए, और स्ट्रेटनर आपको बालों को स्ट्रेट करने के लिए चाहिए। तो स्ट्रेटनर में भी आप लोग आइकॉनिक का स्ट्रेटनर ले सकते हो, सिरामिक स्ट्रेटनर जो भी आपको लगते हैं अफोर्डेबल रेंज में है, वेगा का है, तो वो सब कुछ आपको खरीद सकते हो। तो ये हो गया गाइस टूल्स के बारे में, कौन से आपको खरीदना। हम लोग बात करेंगे अभी फास्टनर्स। फास्टनर्स क्या होते हैं गाइस? फास्टनर्स मतलब जब भी आप लोग हेयर स्टाइल करते हो तो कैसे आपके बालों को आपको कैसे होल्ड करेंगे वो सब कुछ आपको देखना है। फास्टनर्स में क्या क्या आते हैं? बॉबी पिंस, हेयर पिंस, डोनट, फिर क्लिप्स, इलास्टिक बैंड्स, नीडल, रोलर्स, बंजी बैंड। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। बॉबी पिन्स आते हैं गाइस, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो आप लोग जो आपके क्लाइंट के कलर होते हैं बालों के, उसी कलर के बॉबी पिन्स आप लोग यूज कर सकते हो। तो ऐसे डिजाइन वाले आते हैं, ऐसे रबर पॉइंट्स वाले आते हैं, तो ऐसे वाले यूज कीजिए ताकि आपके क्लाइंट को ज्यादा दर्द ना हो, तो ये अच्छा है। और फिर ऐसे हेयर पिन्स आते हैं, इसको हम लोग यू पिन्स भी बोलते हैं, हम लोग जूड़ा पिन्स भी बोलते हैं। जब हम लोग जूड़ा एंड ऑल बनाते हैं तो उसमें ऐसे हेयर पे ग्रिप आने के लिए, टाइट बैठने के लिए हम लोग ऐसे हेयर पिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है डोनट। गाइस डोनट में ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के डोनट आते हैं, ये मीडियम है, फिर एक बड़ा आता है, एक छोटा आता है। तो आपके क्लाइंट के बालों के साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डोनट यूज करना है। मोस्टली आप लोग ऐसे एक मीडियम डोनट रख सकते हो आपके वैनिटी में, ये मोस्टली सबके लिए ही हो जाता है। लोग ऐसे फिलर्स में ऐसे आप लोग पफ्स भी रख सकते हो, तो ये एक पफ है। बस आप जब ऐसे पफ्स यूज करोगे तो ऐसा एक आपको पफ लगेगा, ये स्ट्रेट पफ होता है जो ऐसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं पफ के लिए, और ये जो है ये ऐसे पीछे जो रखते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐसे पफ आने के लिए। अगर आपने आपके क्लाइंट ने कहा कि उनको बैक कॉम्बिंग नहीं चाहिए तो आप लोगों को ऐसे पफ्स यूज करने होंगे उनको थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए, या बैक कॉम्बिंग करने के बाद भी आप लोग ऐसे पफ्स भी रख सकते हो, अच्छा वॉल्यूम आता है। ब्राइडल बंस में और सब यूज होता है। आप लोग जब भी ये ऐसे पफ्स खरीदोगे ना तो आप लोगों को ऐसे सॉफ्ट पफ्स खरीदने हैं, ठीक है, हार्ड पफ्स नहीं खरीदने हैं, सॉफ्ट पफ्स ऐसे। ये वाले बहुत ही नेचुरल दिखते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। हार्ड पफ्स मतलब ये ऐसे हार्ड पफ्स जिसमें ये ऐसे वेलक्रो लगा है, तो ये बस आपको ऐसे ही रख दोगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल पिंस भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये बालों को चिपक जाएंगे। ऐसे वेलक्रो की पट्टी होती है, थोड़ा हार्ड होता है ये। तो आप लोग अगर यू नो नॉर्मल हेयर स्टाइल्स के लिए आप लोग ऐसे पफ्स भी यूज करते हो कर सकते हो, और ब्राइडल के लिए आप लोग ऐसे सॉफ्ट बंस यूज कीजिए, तो ये वो अच्छा है। तो ये हो गया, ये एक है, ये एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है और कहीं पे भी आप लोगों को मिल जाएगा ये अमेज़न पे। नेक्स्ट है गाइस क्लिप्स। क्लिप्स में आप लोगों को ऐसे स्टील के क्लिप्स आते हैं, ऐसे क्रोकोडाइल क्लिप्स आते हैं, और ये ऐसे स्ट्रेट क्लिप्स आते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा खरीदना है इसमें से, तो सबसे बेस्ट है क्रोकोडाइल क्लिप्स, क्यों मैं आपको बोलती हूँ अभी। और ये स्टील क्लिप्स भी बहुत अच्छे हैं, एकदम बहुत अच्छा ग्रिप आता है, छोटे सेक्शंस पकड़ने के लिए बहुत अच्छा काम आता है ये। और फिर गाइस ये जो क्लिप होता है, जब आप ऐसे बाल कैच करता है ये बालों को ऐसे, तो आप देखते हो ना कि ये ओपन रहता है, तो आपके बाल यहाँ से स्लाइड हो सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है ऐसे स्ट्रेट क्लिप्स में। बट क्रोकोडाइल क्लिप में क्या होता है ना, ये जो है ना ये सील होता है एंड, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बाल रखती हूँ मेरे इसके बीच में, तो ऐसे ओपन नहीं रहेगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल है ये अपना फेस ऐसे बंद कर देगा। तो इसलिए आपके बाल हमेशा सेक्शन के अंदर रहेंगे, और इसलिए सबसे बेस्ट है। और स्ट्रेट क्लिप्स में वही प्रॉब्लम है कि अगर आप बाल ऐसे रखोगे तो ये ओपन रहता है एंड, यहाँ से बाल निकल जाते हैं, तो इसलिए क्रोकोडाइल क्लिप सबसे अच्छा और रिलायबल है।
तो ये हो गया क्रोकोडाइल क्लिप्स और एक स्टील क्लिप्स आपको लगेंगे, क्योंकि स्टील क्लिप्स ना गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कर्लिंग करते हैं ना तो अपने कर्लिंग ज्यादा टिकते नहीं है, तुरंत ही खुल जाते हैं कर्ल सपने, तो उसके लिए आप लोगों को ये स्टील क्लिप्स लगेंगे, क्योंकि आप कर्ल जब भी करोगे आपके बालों को तो आपको ऐसे स्टील क्लिप से उसको होल्ड करके रखना होगा। तो ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल जब भी होगा तभी सिखाऊंगी, तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी बस आप लोग नॉलेज लो चीजों की कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ये हो गया, ये दो आपको चाहिए क्रोकोडाइल और ये स्टील क्लिप्स, तो ऐसे क्लिप्स मत लीजिए, जरूरत नहीं है इसकी आपको। ऐसे इलास्टिक बैंड्स आते हैं जो आप लोग पोनीटेल में यूज करते हो, जूड़ा के लिए यूज करते हैं, ऐसे हर एक हेयर स्टाइल के लिए हम यूज करते हैं, और ये ऐसे वाले भी हम लोग यूज करते हैं पोनीटेल के लिए एंड ऑल। तो ये हो गया इलास्टिक बैंड। फिर आता है नीडल, यूज होता है गाइस जब भी आप लोग हेयर स्टाइल आपने बना लिया है और फिर एंड में आपको मांग टीका लगाना है, तो आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक धागा बांधना होगा और ये आपके बालों के अंदर से नीडल को ऐसे निकालना होगा, और फिर यहाँ पे आपका मांग टीका जब भी आएगा तो वो ब्लैक धागा को पीछे फिर काट के यहाँ पे क्लिप से उसको अटैच करना है। तो ऐसे आपको ये नीडल बहुत यूज होता है गाइस, बहुत ही अच्छे से आपका एक्सेसरीज जो है बालों का अच्छे से फिट हो जाएगा, तो आप लोगों का ये ऐसा एक नीडल लगेगा। फिर है गाइस ये वाला एक, इसको लूप बोलते हैं हम, मतलब ये जब भी हम लोग यू नो ऐसे बालों को उल्टा करना होता है इसमें से निकाल सकते हो आप लोग सेक्शंस को, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे यूज करना है। तो ऐसे एक लूप अगर आपके पास रहेगा तो इजी है, नहीं भी रहेगा तो इट्स ओके। ये एक टूल आता है गाइस, इसमें आप लोग फिश टेल बहुत ही इजीली बना सकते हो, अगर आपको फिश टेल नहीं आता है हाथ से बहुत अच्छा फिनिशिंग एंड ऑल नहीं आता है तो आप लोग ये ऐसे टूल यूज कर सकते हो फिश टेल के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा बहुत इजी टूल है। ये कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। रोलर्स गाइस, ऐसे रोलर्स आते हैं जो आपको हेयर प्रेपिंग के टाइम पे अगर किसी के बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है ना तो आप लोग ऐसे रोलर से उनके बाल सेट करके रख सकते हो 15-20 मिनट के लिए और फिर छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा उनके बालों में। और एक चीज है गाइस रोलर्स का कि आप लोग जब भी कर्ल करते हो, कर्लिंग के बाद आप रोलर के साथ ऐसे रोल करके रख दो आपके बालों को 10-15 मिनट के लिए और फिर जब भी निकालो बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा, बहुत टिकेंगे आपके कर्ल्स। एंड में है बंजी बैंड, बंजी बैंड भी बहुत इजी है, अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो मिल जाएगा बट बंजी बैंड हम लोग घर में बना भी सकते हैं, तो आपको बस एक इलास्टिक का बैंड लेना है और एक एंड में एक ऐसे बॉबी पिन लगाना है और यहाँ पे भी एक ऐसे बॉबी पिन लगाना है, तो दोनों ऐसे जब भी बॉबी पिन आएगा तो ये आपका बन जाएगा बंजी बैंड और ये आपको पोनी टेल के टाइम पे सब यूज होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है। तो गाइस आई होप अभी आप लोगों को सब कुछ पता चला है, टूल्स क्या क्या यूज होते हैं बालों के हेयर स्टाइल्स के लिए, क्या क्या आपको चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। मोस्टली आपको इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी हेयर स्टाइल आपको करना होगा तो भी यही बेसिक आपको लगेगा, तो इसमें से आप देखना आपको क्या क्या। तो गाइज आई होप आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा है, यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरी चैनल शेयर करना, और अब मैं आपको बताऊंगी गिव अवे का कौन विनर है, गिव अवे कौन जीता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी, और नेक्स्ट वीक का क्या गिव अवे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर ये वीक में आपको प्राइज नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी गाइज, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, बस शेयर करते रहो ना। और ऐसे 10 वीक्स अपना गिव अवे चलने वाला है, सो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है आज का गिफ्ट। गाइस जो लास्ट में गिव अवे हुआ था उसकी जो विनर है वो है श्वेता सुधीर। सो श्वेता सुधीर आप जीते हो ये मेकअप रेवोल्यूशन की ये दो पैलेट्स, सो प्लीज मुझे अपना एड्रेस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या तो फिर मेरे ईमेल आईडी पे जहां पे आपको भेजना है प्लीज मुझे भेजना और मैं आपको आपका गिफ्ट कुरियर कर दूंगी। सो जिसको भी ये वीक में नहीं मिला है प्लीज सैड मत होना, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मिलेगा, सो डोंट वरी, ओके। तो मुझे पता है कौन कौन शेयर कर रहा है, मैं सब देख रही हूँ, सो चिल नेक्स्ट वीक में मिलेगा, बस ऐसे ही शेयर करते रहो जैसे कर रहे हो, वीक्स है किसी ना किसी वीक में आप लोगों को जरूर मिलेगा, करते रहो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस इस वीक का जो गिव अवे का गिफ्ट है वो है ये नायका का फेस पैलेट, जल्दी जल्दी लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे इंग्लिश चैनल पे जाओ वहां पे भी शेयर करो, गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने गिव अवे में पार्ट लिया। फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओ अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो, और वहां पे मुझे फॉलो करना प्रतिभा सालियन 27। सो अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।